सारे शहर में मिला के किसी को खाना क्यों नहीं बनाना आता? नहीं, ये सारा शहर कुल मिला के क्यूमुलेटिवली फूड एज अ कॉन्सेप्ट पे हक कैसे रहा है? ब्ला, 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 ब्ला। मैं लॉकडाउन में जब यहां पे आया, उससे पहले मैं रहता था बॉम्बे। बॉम्बे अपने बहुत पसंद, कोई 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 है क्या बॉम्बे से यहां पे? अब बॉम्बे की बात शुरू करी है तो सामान से पहले एक मुद्दा और है जो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इतना बढ़िया शहर है बॉम्बे, है मतलब अपने बहुत पसंद है, इतने बढ़िया लोग हैं, इतनी बढ़िया वाइब है, समुंदर है, रेस्टोरेंट है, सब बहुत बढ़िया शहर है, सारे शहर में मिला के किसी को खाना क्यों नहीं बनाना आता? नहीं, ये सारा शहर कुल मिला के क्यूमुलेटिवली फूड एज अ कॉन्सेप्ट पे हक कैसे रहा है? नहीं, पानी पूरी में गरम छोले डाल दिए, बताओ। नहीं, क्यों? हम बीमार हैं? नहीं, घेंगा हुआ हमें? अरे बीमार ही तो होने आए हैं, इसीलिए तो नाले के साथ सट के लगी पानी पूरी खाने आए हैं। तुमने इसमें उबला छोला डाल दिया, बताओ। नहीं तो इसमें पैरासिटामोल मल के डाल दो ना, थर्मोमीटर से तापमान नाप लो पूरे शरीर का, ठंडी पट्टियां करो। नहीं, क्या हो रहा है ये? पूरे शहर की, शहर छोड़ो पूरे स्टेट की स्टेपल डाइट है बड़ा पाव। सब शौक से खाते हैं, शौक से खिलाते हैं। बड़ा पाव तो पता ना? नहीं, वो क्या है कि ऑडियंस की ना इंटेलिजेंस को अज्यूम नहीं करना चाहिए। वो दो तीन दिन पहले मैं मटेरियल ट्राई कर रहा था किसी शो में, तो वहां चलते शो में बकायदा दो लोगों ने रोक के पूछा, कह रहे बड़ा पाव क्या होता है, ये कौन से चैनल पे आता है? तो मैंने चलते शो में स्क्रिप्ट रोक के उनको कहा, मैं कहा तुम 30 सेकंड लो, यू नीड इट, यू डिजर्व इट, तुम ये 30 सेकंड लो और 30 सेकंड का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने को ढेर सारी लानत दो। और ध्यान से सुनो, वड़ा पाव इतनी बढ़िया चीज है, आलू से, आलू विच इज द नेशनल फूड ऑफ द कंट्री, आलू से बना हुआ एकदम सॉफ्ट सा प्यारा सा बड़ा इनसाइड पाव भाजी वाला पाव, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस स्नैक, वेरी नाइस रिप्लेसमेंट टू द अमेरिकन सैंडविच। वहां उनका जो टेक अवे स्नैक है सैंडविच एंड कॉफी, अपने यहाँ पे बड़ा पाव कटिंग चाय, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट। ठंडा खिलाए जा रहे हैं, क्यों? हम जानवर हैं, वड़ा भी ठंडा, पाव भी ठंडा, मिजाज भी ठंडा। नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, तुम थोड़ा तवा लो, मक्खन लगाओ, थोड़ा पाव को सेको, थोड़ा माइक्रोवेव में बड़े को 30 सेकंड दो, गरम गरम करके खिलाओ, 10 रुपए का बड़ा पाव 15 रुपए करके बेचो, तुम्हारी रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। नहीं, ठंडा इससे तो फ्रीजर में जमा के खिला दो ना, आइसक्रीम समझ के खा लेंगे। क्या अत्याचार कर, वो भजिया पाव के साथ भी सेम कर दिया, ठंडा भजिया डाल दिया पाव के अंदर, क्यों हो रहा है? और ओ भाई, ये समोसे को पाव में कौन डाल रहा है यार? समोसा पाव कैसा कॉन्सेप्ट? कौन, समोसा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका आलू ऑलरेडी मैदे से कवर्ड है, उसको और अलग से छुपाने की जरूरत नहीं है। अब केला छिलके समेत खा जाओगे क्या ब्रेड में डाल के? क्या हो रहा है ये? कहीं से भी समोसा पाव एज अ कॉन्सेप्ट वैलिड ही नहीं है। आप मुझे बताओ, समोसा तिकोना है, तिकोना, पाव चौकोर है, उसकी चार साइड है, ज्योमेट्रिकली फिट नहीं हो रही है। समोसे को पाव में डालो, वो तीनों साइड से बाहर आ रहा है, आदमी पपड़ी को उतर रहा है, हद हो गई सब। और वो एक साइड से होता नुकीला, ठीक है, वैसे तो तीनों साइड से होता नुकीला, एक साइड जो नुकीली वाली उसको पाव के अंदर डाल देते हैं, वो दिखती नहीं, तो उसकी बाइट लो तो नुकीली चीज एकदम तलवा चीरते हुए आंख से निकल जाती है, बताओ। समोसा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको इंडिपेंडेंट वाली इज्जत दो, उसको हरी चटनी के साथ खाओ, नहीं लाल चटनी के साथ खाओ, नहीं तो साथ में छोले डाल दो। ये छोले तुमने पानीपुरी में डाल दिए, समोसा तुमने पाव में डाल दिए, मतलब पता नहीं हो क्या रहा है। और वो कटिंग, कटिंग देखिए, वो इतनी देते हैं, इतनी कह रहे, या तो पी लो या सूंघ लो, ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे। ये सब कर कर आके कहते हैं मुंबई द सिटी नेवर स्लीप्स। हाँ तो सोएगी कैसे? किसी को नींद नहीं आ रही, सबको भूख लगी हुई है, सब खाना ढूंढ रहे ढंग का।